जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं और देवों के देव महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 18 फरवरी को महाशिवरात्रि है, यानी देवों के देव महादेव और माता पार्वती का जो है उस दिन विवाह संपन्न हुआ है। इसके लिए यह दिन बेहद महत्व रखता है, खासकर अविवाहित जातकों के लिए और विवाहित जातकों के लिए भी। अविवाहित जातक अगर महाशिवरात्रि की तिथि को जो है भगवान भोले शंकर और माता पार्वती की पूजा अर्चना उपासना करते हैं तो उनके विवाह शीघ्र होते हैं। वहीं विवाहितों के महादेव की पूजा करने से उन्हें सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है और साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। तो इसके लिए जो है केपी की वाणी लगातार महाशिवरात्रि विशेषांक लेकर आ रहा है और इसमें महाशिवरात्रि के दिन विशेष सेगमेंट भी लाया है। उस सेगमेंट में आप अपने विवाह संबंध की सभी जानकारी जान सकते हैं। वह सेगमेंट खास है, अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो उस सेगमेंट को आप जान पाएंगे और उसमें आप शामिल हो सकते हैं और शामिल होकर आप जो है उसका फायदा उठा सकते हैं। इसमें आपको बेहद खास ऑफर लाया गया है केपी की वाणी की तरफ से, तो आप अवश्य ही पूरा वीडियो अवश्य देखें तो आपको अवश्य कहीं ना कहीं उस सेगमेंट अवश्य मिल जाएंगे और उससे आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो आप वीडियो को स्किप ना करिएगा और केपी की वाणी की तरफ से जो महाशिवरात्रि देवों के देव महादेव इनकी कृपा से जो है बल बुद्धि विद्या सभी चीजों की प्राप्ति होती है, उनकी कृपा से केपी की वाणी जो है बेहतरीन सेगमेंट ऑफर लेकर आया है आपके लिए। तो आप वीडियो को पूर्ण रूपेण अवश्य देखें तो आपको अवश्य से फायदा मिलेगा। आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी रिकमेंड कर सकते हैं कि आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, तो आप इसके लिए जो है वीडियो को अवश्य देखें। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये महाशिवरात्रि स्पेशल ही है, तो उससे पहले मैं आपको केपी की वाणी की सेवाओं की जानकारी देता हूँ। केपी की वाणी मात्र एक ऐसा चैनल है जिस पर विवाह संबंध की जानकारी विस्तार पूर्वक दी जाती है। आपने अनेकों चैनल्स में वीडियो देखे होंगे किंतु इस तरह से जो विस्तार पूर्वक जानकारी किसी अन्य चैनल के माध्यम से नहीं दी जाती है। इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दशा में होगी, कितने दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, इसके अलावा संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, पति सरकारी नौकरी वाला होगा, प्राइवेट नौकरी वाला, किसी निजी संस्थान में कार्यरत होगा, इसके अलावा ग्रह दशा कैसी है, महादशा कौन सी चल रही है, ग्रह जो है किस ग्रहों का उदय हो चुका है और कौन से ग्रह अभी अस्त हो रखे हैं, इसके अलावा कुंडली में किस प्रकार के योग बन रहे हैं जिससे कि आपके जीवन में जो भाग्योदय हो सकता है, भाग्य भाव क्या कहता है, इसके अलावा आय व्यय भाव, इसके अलावा धन का भाव क्या कहता है, ये तमाम तरह की जानकारी आपको विस्तार पूर्वक मिल जाएगी इस केपी की वाणी के माध्यम से। तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर यह पूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। आपको दो माध्यम में से किसी एक माध्यम का चयन करना है। आपने अगर आप मौखिक तौर पर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीफोन के जरिए संपर्क कर सकते हैं, वहीं अगर आपको लिखित में जानकारी चाहिए तो आपको लिखित कुंडली बनाकर दी जाएगी और उसमें पूर्ण जानकारी दी जाएगी। उसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी पूरी टीम इस पर कार्यरत है और उनके भरण पोषण हेतु जो है मामूली शुल्क यानी मेहनताना लिया जाता है। अन्य से आप तुलना भी कर सकते हैं, उनकी अपेक्षा में केपी की वाणी के जो है शुल्क है मेहनताना वो बहुत कम है। तो आप केपी की वाणी संपर्क कर सकते हैं, नंबर उपरोक्त नंबर जो दिए गए हैं स्क्रीन पर भी दिए गए, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं, अन्यथा आपको नंबर मैं दोहरा देता हूँ 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो कुंडली मिलान भी करा सकते हैं और वैवाहिक जीवन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, अगर नारी दोष भकुट दोष लगता है तो उसका निवारण आप अवश्य करा लिए।
वहीं अगर आप किसी दोष से पीड़ित हैं, काल सर्प दोष से पीड़ित हैं, पित्र दोष से पीड़ित हैं, गुरु अंगारक योग से पीड़ित हैं, गुरु चंडाल दोष से पीड़ित हैं, तो आप उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर से जो है वहां से आपका निवारण हम लोग कराते हैं। तो आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं, इसके लिए भी जो है आप घर बैठे भी इन दोषों का निवारण करा सकते हैं केपी की वाणी के माध्यम से। तो आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान समय में गुरु जो है मीन राशि में उपस्थित हैं और 22 अप्रैल तक उपस्थित रहेंगे। वहीं जो सबसे बड़ा जो है राशि परिवर्तन फरवरी में होने जा रहा है वो शुक्र का हो रहा है। शुक्र जो है लड़कों के शादी के कारक माने जाते हैं और शुक्र जो है मीन राशि में विराजमान हो जाएंगे। तो कुंभ राशि से निकलकर वर्तमान समय में कुंभ राशि में विराजमान है और 15 फरवरी को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इससे ग्रह जो दशा है और जो राशियों के जो स्थिति है उसमें बहुत बदलाव हो सकता है। कई राशि जो है उससे मालामाल हो सकते हैं, कई राशि जातकों को उम्मीद से ज्यादा ही कुछ फल मिलने वाला है। तो इसके बारे में क्रमशः आपको बता देता हूं कि किस प्रकार की स्थिति बन रही है। शुक्र जो है विवाह सुख समृद्धि के कारक माने जाते हैं, लड़कों के शादी के कारक माने जाते हैं। शुक्र के मजबूत रहने से लड़कों की शादी शीघ्र हो जाती है, अगर शुक्र कमजोर है तो उसमें विवाह में देर होती है। तो शुक्र का जो राशि परिवर्तन हो रहा है तो शुक्र जो है प्रथम भाव यानी कि मीन राशि के प्रथम भाव में विराजमान होंगे और इसी के अनुरूप से जो है अन्य राशियों में भी जो है ग्रह दशा बदलेगी। तो ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनके लिए जो है आने वाला 25 दिन आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है, 25 दिन में आप मालामाल होने वाले हो, और किन राशियों के लिए जो है विवाह की बातचीत हो सकती है, विवाह के रिश्ते आ सकते हैं, विवाह तय हो सकते हैं, उनकी सगाई हो सकती है, ये भी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। उससे पहले मैं आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर जो है ग्रह स्थिति की जानकारी देता हूं। तो 15 फरवरी को बुधवार को मीन राशि में शुक्र गोचर करेंगे और 25 दिनों तक यानी 12 मार्च तक जो है ये मीन राशि में रहेंगे। तो मीन राशि में 25 दिनों तक रहेंगे और 12 मार्च को शुक्र जो है शाम 7:43 पर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आइए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। कर्क राशि, तो कर्क राशि के जो है नवे भाव में यानी भाग्य भाव में जो है शुक्र का गोचर होगा। इस गोचर से कर्क राशि वाले को कार्य क्षेत्र में प्रगति उन्नति मिलेगी, यानी कि अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो आपके प्रमोशन के योग बन रहे हैं शुक्र के राशि परिवर्तन से। बात करें सिंह राशि के, तो सिंह राशि के आठवें भाव में जो है शुक्र विराजमान होंगे, इससे आपके व्यापार में उन्नति होगी। सेहत को लेकर आपको सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा आपके कारोबार व्यापार और रोजगार में अवश्य ही आपको पदोन्नति और उन्नति के समावेश देखने को मिलेंगे। बात करें अगली राशि की, तो कन्या राशि, कन्या राशि के सातवें भाव में जो शुक्र का गोचर होगा इसे जीवन साथी के साथ आपके मधुर संबंध होंगे, नौकरी में पदोन्नति की स्थिति बन सकती है और आपके आय भी बढ़ सकते हैं। अगली जो राशि है वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि के पांचवें भाव में जो है वो शुक्र का गोचर हो रहा है। अगर आप रोजगार क्षेत्र से जुड़े, अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, आप प्रतियोगिता क्षेत्र में जो है अपना हाथ आजमा रहे, तो आपको इसमें नई चीजें सीखने को मिलेंगे, कौशल में भी आपका सुधार होगा। कुंभ राशि, तो शुक्र का यह गोचर कुंभ राशि के दूसरे भाव में होगा, तो इससे पारिवारिक जीवन आपका जो है बेहतर बनेगा, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। यानी कुंभ राशि के जातकों के लिए अगले 25 दिन 15 फरवरी से लेकर 12 मार्च के मध्य जो है बेहद शुभ रहने वाला है। बात करें मीन राशि की, तो अंतिम राशि, इस राशि में गुरु के गोचर हो रखा है और इसके बाद जो है अब शुक्र का भी गोचर होगा, इससे जो है मालव्य योग बन रहा है और शुक्र के गोचर होने से मीन राशि के पहले भाव में शुक्र विराजमान हो जाएंगे, इससे आपके व्यापार में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा लोगों को जो पदोन्नति हो सकती है, उनकी इंक्रीमेंट लग सकती है, आपकी वाणी से आने वाले सभी लोग जो है वो प्रसन्नचित्त रहेंगे, यानी आपके जो भी कलिक्स हैं वो आपसे खुश रहेंगे। तो ये तो आपको मैंने ग्रह दशा बताई है कि कैसे कैसे शुक्र के राशि परिवर्तन से आपका भाग्योदय होने वाला। आइए अब मैं आपको महाशिवरात्रि पर आप क्या खास करें जिससे कि भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं उसकी जानकारी देता हूं। तो अगर आप अविवाहित है तो 5 नारियल आपने लेना है और प्राचीन मंदिर यानी पास में अगर नजदीक में समीप में कोई प्राचीन शिव मंदिर है तो वहां पर जाए और 5 नारियल को जो है शिवलिंग पर उसार कर वहां पर रख दें और तत्पश्चात जल में काले तिल बिलपत्र और गंगा जल मिलाकर जो है शिवलिंग पर अर्घ दे और फिर दुग्धाभिषेक करना है और तत्पश्चात जल में जो है शहद और इत्र डालकर जो है अभिषेक करना है। इस दौरान आपको ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना है। इसके बाद जो है 5 बार आप उठ बैठक कर सकते हो और फिर वहीं पे विराजमान होकर जो भगवान शिव की जो है शिव चालीसा का पाठ कीजिए
ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का 3 माला जाप आपने करना है और तत्पश्चात वहीं पर नतमस्तक होकर भगवान शिव माँ पार्वती की जो है प्रार्थना याचना करना है, उनसे अपने लिए आशीर्वाद प्राप्त करना है। और यकीन जानिए अगर आप इन चीजों को करते हैं तो आपके जो है जो भी बाधाएं आ रही हैं आपके जीवन में वो अवश्य दूर हो जाएंगी। खासकर अगर आप विवाहित हैं तो विवाह की इच्छा है तो यह उपाय आप अवश्य करें, तो इस उपाय से आपको अवश्य लाभ मिलेगा। तो यह तो जानकारी मैंने आपको यह बताई है। आइए मैं सेगमेंट बता दूं तो शिवरात्रि के लिए जो महाशिवरात्रि के लिए विशेष ऑफर केपी कीवानी लेकर आया है, इसमें आपको जो है ऐसे जातक जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं वे संपर्क कर सकते हैं और महज 101 रुपए में आप रजिस्ट्रेशन कराकर महाशिवरात्रि की तिथि को जो है पूरी जानकारी विवाह संबंध की प्राप्त कर सकते हैं। और यह जानकारी आपको टेलीफोनिक होगी, यानी कि आपको फोन करके पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आप केपी कीवानी के इसी नंबर पर आप गूगल पे फोन पे पेटीएम के जरिए पेमेंट कर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अपना सारा डिटेल, नाम, जन्मदिन, जन्मस्थान ये आप हमें व्हाट्सएप करें। आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको शिवरात्रि की तिथि को जो है कॉल बैक जाएगा और आपके सभी सवालों के जवाब तत्काल ही दिए जाएंगे। तो आप इस सेवा का फायदा उठाएं, अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने रिश्तेदारों को भी बताएं और महाशिवरात्रि के अवसर पर यह ऑफर लाया गया है तो आप अवश्य इसका फायदा उठाएं। आइए अब मैं आपको उन राशियों की जानकारी देता हूं जिनके लिए 25 दिनों में योग बन रहे हैं उनके सगाई के। तो जैसा मैंने आपको बताया कि शुक्र का गोचर मीन राशि में होगा, गुरु का गोचर मीन राशि में हो रखा है, तो गुरु और शुक्र के गोचर से जो है मीन राशि के जातक का तो बर्थ कहते कि रिजर्व है, यानी कि उनके लिए तो योग बनेगा ही। इसके अलावा सूर्य का भी राशि परिवर्तन हो रहा है और सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो कुंभ राशि के ऐसे जातक जिनके आयु 27 वर्ष से अधिक हो चुकी है और कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है तो उनके लिए भी शुभ योग है, उनके सगाई के योग बन रहे हैं। बात करें अगली राशि की तो चंद्रमा जो है वर्तमान समय में धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 18 तारीख तक धनु में राशि में रहेंगे, तो इस दौरान धनु राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा और धनु राशि के जातकों के लिए साल 2023 भी बेहद खास रहने वाला है क्योंकि इस दौरान आपके प्रणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग हैं। तो कुल मिलाकर कहे तो मीन राशि के जातक जो है, धनु राशि के जातक, कुंभ राशि के जातक, ये 3 राशियां ऐसी हैं जिनके जो है 25 दिनों में आने वाले में सगाई के योग बन रहे हैं। इसके अलावा जो है चंद्रमा के राशि परिवर्तन से क्रमशः कई अन्य राशियां हैं जैसे कि मकर राशि है, कुंभ राशि, मीन राशि, फिर मेष राशि, वृषभ राशि, तो इनके भी योग बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मेष राशि, वृषभ राशि, धनु राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, इन राशियों के विवाह के 100% योग बन रहे हैं आने वाले दिनों में। और हम कुल मिलाकर कहे तो 12 मार्च तक आपके परिणय सूत्र में बंधने के 100% योग है। तो दोस्तों यह जानकारी आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी है, हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना था, आप इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इससे पहले अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखा लें। आप केपी कीवानी से भी कुंडली दिखाकर व्यक्ति विशेष की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि यह जानकारी आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी है, व्यक्ति विशेष की नहीं, क्योंकि व्यक्ति विशेष की जानकारी में कुंडली का विश्लेषण करने के पश्चात उनमें जो ग्रह दशा कुछ अंतर हो सकता है। तो इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड पर प्लेलिस्ट पर जाएं, राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल के कार्यक्रम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने की शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इस नाचिज दोस्त को इजाजत दी, आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, माता रानी का असीम कृपा पर बरसती रहे, परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि सत्मार्ग आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय वाहेगुरु।